हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहले तो मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको हर एक टाइप के एमसीक्यू, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, अजर्शन, रीजन, पैराग्राफ वाले अजर्शन, हर एक टाइप के क्वेश्चन, यानी कि मैं आपको बता दूं मैंने इसके अंदर मैप भी इंक्लूड करे हैं, देख सकते हो आप, मैप भी इंक्लूडेड है, हर एक टाइप के क्वेश्चन और हर एक चैप्टर के मिलेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताई है। अब देखो, पहली बात तो मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा ना, कुछ भी नहीं करा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने हर एक चैप्टर के 100 से ज्यादा एमसीक्यू की वीडियो बनाई है, हर एक चैप्टर की अलग अलग, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। 2x करके देख लो, स्पीड बढ़ा के देख लो, जैसे देखना है देख लो, बट हर एक चैप्टर आपका करा हुआ होना चाहिए। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, गारंटी से बोल सकता हूं, अगर आपने कुछ भी नहीं करा ना अभी तक और वो वीडियो भी देख ली, तो आप है ना, आपकी मतलब आप सरप्राइज हो जाओगे, ऐसे नंबर आएंगे आपके, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपकी, ठीक है, गारंटी के साथ बोल सकता हूं मैं, ओके। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला सर अब प्रैक्टिस की बारी है हमारी, तो जो भी आप एमसीक्यू लेकर आओ ना, वो सारे मिक्स लेकर आना, ऐसे ना हो कि एक ही चैप्टर के आप एमसीक्यू लेकर आओ या हिस्ट्री के, बायो जीओ के सारे मिक्स लेकर आना, जिससे हमें प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए, ठीक है। और ये वीडियो मैं थोड़ी तेज बनाऊंगा, यानी जल्दी जल्दी बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम कम है। मैं चाहता हूं कम से कम टाइम में बच्चों के मैक्सिमम क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ डैश वॉज इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, शेयर हिस्ट्री, डिसेंडेंट वगैरह, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। वो क्या होता है, जहाँ पर क्या हो, सारे के सारे जो लोग हों वो एक दूसरे से जुड़े हुए हो, कॉमन हिस्ट्री हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो, डिसेंडेंट है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी हम नेशन स्टेट, पता है चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री में अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेकिंग शूज, जो जूते बनाते हैं ना, मैन्युफैक्चर वगैरह करते हैं हम जूते वगैरह, तो किस में आता है, सर्विस सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में या टर्जरी सेक्टर में, इनके है ना आंसर आप एक पेज पर लिख लो, ठीक है। ये वीडियो के कुछ टाइम बाद है ना, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, या अगर मेरे को किसी बच्चे के आंसर से, पहले तो आप क्या करना कि पेज पे लिख लो, उसके बाद आप टाइप कर सकते हो तो टाइप कर लेना, या मैं क्या करूँगा, खुद इसके एमसीक्यू नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, इसके आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ताकि आप जल्दी जल्दी चेक भी कर सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेकिंग शूज़ वाला बता चुका हूँ, यह आता है अपना सेकेंडरी सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डेयरी वगैरह, फिशिंग वगैरह, फॉरेस्ट्री जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, तो दूध निकालना वगैरह सारी की सारी चीज़ें जो है, आपको पता है कि गाय जो है वो नेचर की देन है, भगवान की देन है, तो जब भी हम नेचर को यूज़ करके किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन वगैरह करते हैं या किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, तो वो किस में आता है, वो आता है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लैंड कंसिस्ट ऑफ मैनी गुलीज एंड दी रिवाइंस आर कॉल्ड, यानी जिस लैंड पे बहुत सारी गुलीज होती है, रिवाइंस होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर लैंड, बैड लैंड, माइनिंग लैंड या कल्टीवेट्स लैंड, तो आपको पता है इसको कहते हैं बैड लैंड, ठीक है। चंबल वगैरह का एक एग्जांपल भी देखा था जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, किसका, अपने जियोग्राफी का, जियोग्राफी के चैप्टर का, सारे मिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया इज मिक्स, कल्टीवेटेड, लॉपसाइडेड या अट्रैक्टिव, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड का मतलब है एक तरफा, ठीक है, हमारे इंडिया का जो लैंड यूज पैटर्न है वो एक तरफा है, ठीक है। आप बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में लॉपसाइडेड नहीं है, बट अभी आपके क्लास 10th के सिलेबस में इतना याद रखो, हमारा लैंड यूज पैटर्न लॉपसाइडेड है, ठीक है, एक तरफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऐसी सॉइल जो पूरे इंडिया में फैली हो, वाइड स्प्रेड, मोस्टली ज़्यादातर इंडिया में सबसे ज़्यादा फैली हुई सॉइल कौन सी है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल या येलो सॉइल। मैं आपको बता दूं, इंडिया में सबसे ज़्यादा फैली हुई जो सॉइल है वो है जी अपनी एलुवियल सॉइल, और याद रखना है कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल भी होती है, नदन प्लेन में पाई जाती है, ठीक है, हमारे दिल्ली का, हरियाणा, पंजाब, यूपी वाला एरिया जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश सॉइल वॉज आर फाउंड इन दी थार डेजर्ट, थार डेजर्ट में हमारी कौन सी टाइप की सॉइल हमें मिलती है, इसके मैप भी देखेंगे हम, इसका मैप भी है, ठीक है, बट अभी ये आपको नॉर्मल एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं थार डेजर्ट में हमें एरिड सॉइल, बंजर जमीन, ठीक है, रेतीली मिट्टी देखने के लिए मिलती है, तो इसका आंसर है जी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 8th, कि प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, प्राइमरी सेक्टर को और किस नाम से जाना जाता है, सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जी सी, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने मतलब पिक्चर बनाई थी, प्रिंट बनाई थी, विजुअलाइजिंग ऑफ अ ड्रीम, डेमोक्रेटिक एंड द सोशल रिपब्लिक बोला जाता है, चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री के पहले पेज की पहली लाइन का ही मैंने पैराग्राफ ले रखा है, तो आपको पता ही है 1848 में पिक्चर बनाई गई थी ना, तो वो बनाई थी हमारे फ्रेडरिक सोरियो ने, जो थे फ्रेंच आर्टिस्ट, ठीक है, अभी उसकी पिक्चर भी आएगी नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, अरे यार मैंने इसका वो नहीं लगाया, चलो वैसे तो चलो आपको पता चली गया, मैं सोच रहा था मैंने है ना इस पे वो लगाना चाहिए था, ठीक है, मतलब
डैश लगाना चाहिए था, मैं लगाना भूल गया, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ गया ना। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो वो किस में आता है, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। इसका आंसर है जी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा सिस्टम जिसकी पावर पे कोई रिस्ट्रेंट ना हो, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है, जैसे कि राजा रानी वाला सिस्टम, राजा रानी वाले सिस्टम की पावर पे कोई रिस्ट्रेंट नहीं, राजा जो मर्जी करना चाहे वो कर सकता है ना। तो इसका आंसर है जी सी। चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री में ही आपने पढ़ा था, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनकी पावर पे कोई लिमिटेशन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था जिनका नाम था गसेपे मज़ीनी। मैं बहुत ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ तो स्लो कर लेना, ठीक है। गसेपे मज़ीनी जो जिनेवा में पैदा हुए थे 1807 में, ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी उन्होंने ज्वाइन भी करी थी। उसके बाद 24 साल की उम्र में ना उनको एग्जाइल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एक जगह पर रेवोल्यूशन किया था, ट्राई किया था रेवोल्यूशन करने का। किस जगह पर रेवोल्यूशन करने का ट्राई किया था जिसकी वजह से उनको निकाल दिया गया था? कार्बोनारी, लिगोरिया, इटली या जर्मनी? तो इसका आंसर अपने को पता है, इसका आंसर है जी लिगोरिया, ठीक है। लिगुरिया में रेवोल्यूशन करने का ट्राई कर रहे थे बट फेल हो गए, एग्जाइल कर दिया उनको 24 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फॉसिल फ्यूल जो होते हैं ना वो किस टाइप के रिसोर्सेज? आपको पता है जो फॉसिल फ्यूल है, रिसाइकल नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, रिजर्व नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है जी नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। और इसका नॉन रिन्यूएबल भी है, नॉन अब आप बोलोगे सर नॉन रिलेवेंटली लिखा ऑप्शन में, अरे जो लिखा हुआ है उसमें से आप चूज करो, ठीक है। देखो रिसाइकलेबल नहीं हो सकता, रिसाइकल नहीं हो सकता फॉसिल फ्यूल, पोटेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, रिजर्व में नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है उसको रिजर्व, फॉरेस्ट वगैरह अगर रिजर्व में आता है, फॉरेस्ट वगैरह आता है रिजर्व में तो, बट इसका आंसर है जी बचा हुआ ऑप्शन क्या है, नॉन रिसाइकलेबल। और जो कि पता है हमें फॉसिल फ्यूल नॉन रिसाइकलेबल है, हमने साइंस पे भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम सॉइल को सॉइल इरोजन से बचाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर टेक्निक, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन या सॉइल सेविंग? तो इसका आंसर है जी सॉइल कंजर्वेशन। अगर आपको पता है कि सॉइल कंजर्वेशन के कौन से मेथड है तो आप नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अलग अलग मेथड है ना हमारे, एक बता देता हूँ कॉन्टर प्लफिंग, बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में नाम बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलार एनर्जी जो है वो किसका एग्जाम्पल है? रिजर्व का, रिसाइकलेबल का, रिन्यूएबल का, रिसाइकलेबल का, रिन्यूएबल का या नॉन रिन्यूएबल का, नॉन रिसाइकलेबल का? तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो अप्रोप्रिएट आंसर बैठता है ना वो है जी रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यानी जो बार 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 बनता है, सोलर एनर्जी एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसे जैसे मैं समझाता हूँ आपको, कोई बैटरी है उसको मान लो हमने सोलर एनर्जी से चार्ज कर लिया तो बार बार उस बैटरी को हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एक बार बैटरी खत्म हो गई दोबारा सोलर पे ले जाना पड़ेगा ना, तो इसका आंसर अप्रोप्रिएट है जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच लैंग्वेज, जो कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो बेल्जियम में ज्यादातर लोग बोलते हैं? तो आपको पता है बेल्जियम में 59% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं, बी एस का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, श्रीलंका के अंदर मेजोरिटी लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो श्रीलंका के अंदर जो मेजोरिटी लोग हैं वो बोलते हैं हमारे सिन्हाला, ठीक है, कितने 74% लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जी NSSO का न्यू नाम क्या है? ये आपको पता होना चाहिए, NSSO का जो न्यू नाम है वो क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जी सी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल, हाँ सॉरी इसका आंसर है डी, ठीक है, नेशनल आएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हाँ जी यही है, ठीक है, समझ आ गया। इसमें नेशन लिखा है, मैंने गलती से इसे नेशनल पढ़ दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि NSO जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? जो NSO हमारा वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा NSO है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे होंगे सर ये बुक में थे भी, थे बुक में, मैं तभी आपको बता रहा हूँ, मैंने हर एक बुक की हर एक लाइन से MCQ बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, कि आपको कभी भी ऐसा ना लगे सर ये तो हमने करानी है, ठीक है, चलो एग्जाम में ना लगे ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि द डैश कवर एक्टिविटी इन विच द नेचुरल प्रोडक्ट चेंज इन टू अदर फॉर्म थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ठीक है। मतलब जो एक उसमें मतलब जब हम क्या करते हैं कि उसको किसी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को, नेचुरल प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम एसोसिएट करते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से, उसको क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है यार, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब हम ग्रोइंग कॉटन तो वो किस में आता है? वो आता है आपका प्राइमरी सेक्टर में, ये आपको पता है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड वगैरह, ये किसके एग्जांपल है? टर्जरी सेक्टर के, दोबारा से वो लगाना भूल गया मैं, ठीक है जी, दोबारा से माफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन विच ईयर श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट? श्रीलंका कौन से साल में इंडिपेंडेंट हुआ था? 1948, पता ही है आपको। और श्रीलंका को पहले सिलोन बोला जाता था, बाद में श्रीलंका बोला जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, कि इन
विच ईयर द श्रीलंकन गवर्नमेंट केम आउट विद द मेजोरिटेरियनिज्म एक्ट, जो हमारी श्रीलंका की गवर्नमेंट है वो कौन से साल में मेजोरिटेरियनिज्म एक्ट लेकर आई थी? आपको पता है 1956 में तीन चीज़ें लेकर आई थी, क्या? सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। दूसरी बात है, बुद्धिज्म को एज अ स्टेट रिलीजन प्रमोट किया गया था। और तीसरी बात है, जो बच्चे थे ना जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे उनको प्रायोरिटी दी जाने लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 1970 से 1993 के बीच में ना जो बेल्जियन गवर्नमेंट थी उन्होंने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि जितने भी लोग हैं ना हमारे मतलब जो भी रहते हैं बेल्जियम के अंदर वो शांति से रह सके। तो कितने अमेंडमेंट किए थे? दैट इज़ 4 अमेंडमेंट किए थे। अच्छा, एक और बात बता दूं यार, जो हमारा मेन पॉइंट स्टडी लाइव वाला चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर लेना। मैं ना लाइव आने वाला था बट उस पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए, तो जो यूट्यूब है वो 1000 सब्सक्राइबर से पहले लाइव नहीं आने देता, तो उस पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, नहीं तो अभी ये लाइव वीडियो दिख रही होती आपको, आप भी इंटरेक्ट कर पाते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिक्चर दे रखी है आपको, ठीक है, तो ये है ना एक लेडी है, लेडी आपको पता होगा जर्मेनिया है बेसिकली, ये पीछे ना एक रिवर को गार्ड कर रही है, तो इस रिवर का नाम क्या है? नाइल, राइन, जंक, इंडस। तो इसका आंसर है जी राइन। ठीक है, राइन रिवर को ये वो गार्ड कर रही है। नेक्स्ट है जी आपका अजर्शन और रीजन, 27 वाला क्वेश्चन है हमारा, अजर्शन और रीजन बताना आपको। अजर्शन लिखा हुआ है लोकल गवर्नमेंट जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, सही बात है, अरे बिल्कुल सही बात है, लोकल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट होती है। रीजन लिखा हुआ है क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पीपल को अपने एरिया की लोकेलिटी की जो भी प्रॉब्लम होती है उनको अच्छे से पता होता है, ठीक है, और वो अपनी प्रॉब्लम को लोकल लेवल पे सही कर सकते हैं। क्या ये बात सही लिखी है? बात एकदम सही लिखी हुई है, और दोनों का आपस में लेना देना भी है। ठीक है, अब अगर आप सोच रहे हो, अब मैं पूरा अजर्शन और रीज़न को बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि यार टाइम लग जाएगा ऐसे। ठीक है, मतलब एक अजर्शन और रीज़न को अगर मैं ढंग से समझाने बैठा ना तो कम से कम 1-2 मिनट में लूँगा, तो इसलिए अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी है हर एक चैप्टर की। ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर टू है, फेडरिज्म वाला चैप्टर है, पावर शेयरिंग के बाद वाला चैप्टर है हमारा सिविक्स का, तो उसकी वीडियो आप देख सकते हो, 2x करके देख लेना। तो दोनों सही भी है और दोनों का आपस में लेना देना भी है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जर्मनी के फ्लैग का कलर कौन सा है? तो आपको पता है ब्लैक, रेड एंड गोल्ड जो कलर है वो हमारे जर्मनी के फ्लैग का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये बेसिकली चैप्टर नंबर 4 का है आपका एग्रीकल्चर का, तो ये बताना है कि आपको ICAR की फुल फॉर्म क्या है? बड़ा ईजी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये है जी हमारी फुल फॉर्म किसकी? अपने ICAR की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चंपारण मूवमेंट जो है वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था जी अपने बिहार में, कौन से साल में? 1917 में। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ये कहाँ पर है, ये आपको एग्रीकल्चर चैप्टर में ही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हैं उस क्रॉप के, जो मतलब गंगा सतलुज एरिया और जो हमारा नॉर्थ वेस्ट एरिया है ना ब्लैक सॉइल का, वहाँ पर है ना एक टाइप की फसल बहुत ज़्यादा अच्छे से उगाई जाती है, तो उस फसल का नाम बताना है, वीट, राइस, ऑरेंज या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है वीट। वीट जो है वो हमारे गंगा सतलुज प्लेन, याद रखना मैप के अंदर भी ये चीज़ आएगी, गंगा सतलुज प्लेन पर है ना सबसे अच्छी जो क्रॉप उगती है ना, या सबसे ज़्यादा जो क्रॉप उगती है वो है अपनी वीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राउंड नट इज़ दी डैश क्रॉप, ग्राउंड नट है जो एक डैश टाइप की क्रॉप है, कौन सी? खरीफ, रबी, जैद या समर। तो जो हमारी ग्राउंड नट है वो एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है, रेन फेड खरीफ क्रॉप है, याद रखना ये चीज़ आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजर्शन और रीजन का, क्वेश्चन नंबर 33, ग्राउंड नट जो है वो खरीफ क्रॉप है, सही बात है, अभी अभी देखा हमने। रीजन लिखा हुआ है कि बाजरा जो है वो अच्छा उगता है सैंडी सॉइल पे या शैलो ब्लैक सॉइल पे, ये बात भी सही लिखी हुई है, पर दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ग्राउंड नट जो है वो अलग है बाजरा अलग है, तो इसका मतलब सही तो दोनों, बट दोनों का आपस में लेना देना नहीं है। इसका आंसर होगा ई, के बोथ आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फ्रांस की एलिगरी का नाम क्या है? तो अपने को पता ही है फ्रांस की एलिगरी का नाम है मारियान, मारियान याद रखना, बच्चे ना बार बार गलती करते हैं फ्रैंकेनिया करके आ जाते हैं, ये मैंने खुद बनाया नाम फ्रैंकेनिया, फ्रैंकेनिया कुछ नहीं है, मारियान है इसका नाम, ठीक है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इज मच वोग, वोग का मतलब क्या होता है? प्रचलन में है, सही बात है, आज है ना ज़्यादातर एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जा रही है, ठीक है ये बात सही लिखी हुई है। नेक्स्ट है कि इन ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर यूज हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या फार्मर जो है वो ज़्यादा बायोकेमिकल वगैरह का यूज़ करता है? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जिसमें मैन्योर वगैरह जो होता है खाद वगैरह का यूज़ किया जाता है, कोई केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता। तो इसका आंसर है हमारा सिर्फ अजर्शन ही ट्रू है, तो अजर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज रॉन्ग, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ना बेसिकली एक बॉक्स का क्वेश्चन है, ये आपके चैप्टर नंबर वन में, अब आप ये मत बोलना सर ये वाला बुक में नहीं था, ये भी बुक के अंदर है, बुक के अंदर आप देखोगे ना अलग से बॉक्स में। आपको बता दूं मैंने हर एक चैप्टर की रिवीजन वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको लगता है कि आपने सारे चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं ठीक है और फिर भी आप इन क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे तो वो रिवीजन वीडियो देखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने हर एक बॉक्स, हर एक पिक्चर, हर एक लाइन समझाई है आपको ठीक है। तो बेसिकली ग्रिम ब्रदर्स जो हैं वो आप फेरी टेल्स वगैरह आपने सुना होगा, ग्रिम ब्रदर्स की फेरी टेल्स वगैरह, तो ये दो भाई थे बेसिकली ठीक है, एक तो जैकोब और वेलम ग्रिम्स थे ठीक है, दोनों के दोनों जर्मनी में हनाऊ में पैदा हुए थे 1785 में और 1786 में, एक साल एक छोड़ के, और दोनों की दोनों किसकी पढ़ाई कर रहे थे, बोथ ऑफ किस चीज़ की, बोथ ऑफ देम स्टडी, स्टडी आना चाहिए, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे, वो स्टडी कर रहे थे जी लॉ की, स्टडी लॉ ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं स्टडी लॉ ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये पिक्चर जो आपको दिख रही है ना, तो इसमें पूछा गया है कि जो क्राइस्ट है, सेंट है, वो ऊपर की तरफ इस सीन पे टकटकी लगाए हुए हैं ठीक है, गेज का मतलब टिक टिकी लगाई हुई, देख रहे हैं मतलब घूर रहे हैं, ये जो नीचे सीन चल रहा है उसको घूर रहे हैं, तो ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, तो ये करता है जी हमारे फर्टर्निटी अमंग दी नेशन, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है क्रिश्चियन देश हैं ये और सारे के सारे बंधुत्व मतलब एक दूसरे से प्यार दिखा रहे हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद दी डैश रेवोल्यूशन इन 1789, तो किस देश में 1789 में रेवोल्यूशन हुआ था जिसने नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाई, तो इसका आंसर है जी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, पता ही है तो ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडिया ऑफ लापात्रिया, लापात्रिया का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दी फादरलैंड ठीक है, और लास्ट सिटीजन का क्या मतलब होता है, लास्ट सिटीजन का मतलब होता है द सिटीजन ठीक है। ओके जी नेक्स्ट, ये फ्रेंच वर्ड है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी दे रखा था आपने, हमने पढ़ा था ना मेजर चेंजेस आफ्टर दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसमें से ये भी था कि लापात्रिया और ला सिटीजन की फीलिंग जो है लोगों में बढ़ाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें से ऐसा कौन सा चेंज है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आया था, फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया था, ट्राई कलर जो है वो एक इंट्रोड्यूस करा गया था, एक तिरंगे रंग का ट्राई कलर आया था उनका, ये भी सही बात है, पहला भी सही पॉइंट है, और तीसरा है कि जी स्टेट जनरल का नाम जो है वो चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया था, क्या ये भी हुआ था, भी हुआ था, तो बेसिकली इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जी ऑल ऑफ द अबव ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लैंग्वेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने के लिए ठीक है, और हमें कब पता चलता है कि जब रशिया ने एक एरिया पे अटैक करके ठीक है उस पर ना अपनी लैंग्वेज थोपी थी, तो ये है ना बेसिकली हमारे चैप्टर नंबर वन हिस्ट्री में ये है, तो मैं आपको बता दूं रशिया ने ना अपनी लैंग्वेज को फोर्स करने की कोशिश करी थी पोलिश लैंग्वेज पे ठीक है, पोलिश स्कूल में जो पोलिश लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाई जाती है ना, पोलैंड की बात हो रही है, तो वहाँ पर उसको बंद कर दिया गया और सिर्फ रशियन लैंग्वेज को ही बढ़ावा दिया गया ठीक है, उसकी वजह से रेवोल्यूशन भी हुआ था, तो एक रोमांटिसिज्म वाला टॉपिक है उसके अंदर इसके बारे में दे रखा है ठीक है, कैरोल कोरपेंस्की है ना, तो इसका आंसर है बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपको ये बताना है इसके बाद एक और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है कि द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ डैश फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इसका आंसर है यूरोप, मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना इसके बाद पूरे यूरोप में नेशनलिज्म फीलिंग जगाने के लिए बोला गया था, तो इसका आंसर है क्या, यूरोप सी। नेक्स्ट है कि जो पिक्चर अपने को दिख रही है ना, तो ये पिक्चर किसने बनाई थी, लुई 16 ने ठीक है, लॉरेन क्लैसन ने, ड्यूक मेटरनिक ने, या फिलिप वेट ने, तो इसका आंसर है जी डी फिलिप वेट ने ठीक है, 1848 में बनाई थी ये भी पिक्चर उन्होंने, याद रखना आ सकता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ रिवीजन वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉबैक बताने हैं नेपोलियन बोनापार्ट रूल के, तो उसने टैक्स बढ़ा दिए थे, सेंसरशिप लगा दी थी, फोर्स टू जॉइन दी फ्रेंच आर्मी, या ऑल ऑफ दी अबव, तो इसका आंसर क्या है, अपने को पता है कि जी इसका आंसर है क्या, ऑल ऑफ दी अबव, टैक्स भी बढ़ा दिया था, सेंसरशिप भी लगा दी थी और लोगों को फोर्स कर रहा था फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये पिक्चर बतानी है आपको, तो ये जो पिक्चर है इस पिक्चर का नाम क्या है, द फॉलन जर्मेनिया नाम है इस पिक्चर का ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उस बैटल का नाम बताना है जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था यूरोपियन पावर से, तो उसका नाम है बैटल ऑफ वाटरलू, 1815 में हुई थी ये, और उसी के बाद एक ट्रीटी ऑफ वाइना साइन हुई थी। एलए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का देखने के लिए मिलेगा, एलए जो है वो मेजर करता है क्लोथ को ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जोल्वरीन है वो कब फॉर्म हुआ था, जोल्वरीन जो है वो 1834 में फॉर्म हुआ था ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्राउन ऑफ ओक लीफ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक्ट ऑफ यूनियन को, हीरोइज्म को ठीक है, हीरोइज्म के बाद लिखा है कि एक्ट्रेस को, या अपना बींग फ्री को, तो इसका आंसर क्या है, हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। ओके इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जोल्वरीन जो है वो किसके इनिशिएटिव से बनाया गया था, जोल्वरीन जो है वो प्रूशा के इनिशिएटिव से बनाया गया था 51 कसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ट्रिटी जो थी वो साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू
ठीक है। ट्रिटी ऑफ बैटल, ट्रिटी ऑफ जो साइन हुई थी ना बैटल लू के बाद, वो मैं आपको बताई चुका हूँ ट्रिटी ऑफ वैना, दो क्वेश्चन पहले ही बताई थी बात मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें से कौन सा ट्रिटी ऑफ वैना में नहीं था, बाबन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया था, ये बात बोली गई थी। नेक्स्ट है कि फ्रांस जो था उसने अपनी टेरिटरी खो दी थी, जो जो मतलब नेपोलियन ने अपने कब्जा कर रखा था, तो जीतने के बाद है ना उन्होंने कहा कि इस एरिया को खाली कर दो, तो ये हुआ था। रशिया को पोलैंड मिला, ये भी सही बात है। एक्चुअल में ये जो बी पॉइंट लिखा है ये गलत है, एक्चुअल में जर्मन कन्फेडरेशन जो 39 स्टेट थी ना उसको चेंज नहीं किया था, अनचेंज रखा था, तो ये चेंज लिखा है बट ये अनचेंज है, तो इसका आंसर बी है, ये लाइन गलत लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी बंदे ने ना कसेपे मजीनी को बोला था कि इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, किसने बोला था, ड्यूक मेटरनिक ने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दस सर्वडम एंड द बाउंडेड लेबर वर अबॉलिश्ड बोथ इन हैब्सबर्ग एंड द डोमिनियन एंड द रशिया, हैब्सबर्ग को कब ऑटोनोमी ग्रांट हुई थी हंगेरियन से, तो इसका आंसर है जी 1867, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये पिक्चर बतानी है आपको, ये जो पर्सन है कौन है, ईजी क्वेश्चन है ये, बेसिकली लाइपेज सॉरी लिप्जिग की वॉर हुई थी, बैटल ऑफ लिप्जिग हुई थी 1813 में, तो ये जो बंदा है नेपोलियन है, ये जो एक तरह से इसको डाकिया दिखाया, और ये पेजेस जो नीचे गिर रहे हैं ना, ये जो गिर रहे हैं लेटर, ये बेसिकली लेटर नहीं है, ये वो एरिया है जो नेपोलियन ने खोया था अपने उस लड़ाई के अंदर। वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है, रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, वो किन सॉइल में सबसे ज़्यादा होती है, ग्रीन सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, तो इसका आंसर है जी ब्लैक सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कितने परसेंट जो लोग हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ दी लैंड इन इंडिया इज मतलब कंसिस्ट प्लेन, इंडिया के कितने परसेंट लैंड पे प्लेन है, तो इसका आंसर है जी 43% पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो बेल्जियम का कैपिटल है, ठीक है, उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो इसका आंसर आपको पता ही है, इसका आंसर है जी फ्रेंच, 80% फ्रेंच, 20% जर्मन है ना, सॉरी डच है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि श्रीलंका जो है वो एक डैश कंट्री थी, क्या लार्ज कंट्री, आइलैंड कंट्री, कॉन्टिनेंट या नन ऑफ दी अबव, तो इसका आंसर है जी आइलैंड कंट्री है, एक नीचे है ना अपने तमिलनाडु के कोस्ट से, थोड़ा सा ही पास है, दूर है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन उगाने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी, आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो आपको पता ही है, इसका आंसर है जी ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को रिगोर सॉइल भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन दी वर्ल्ड, तो वो क्या है, सबसे ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल कौन सी कंट्री में उगाए जाते हैं, इसका आंसर है जी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश वॉज दी मेन फोकस ऑफ आर फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान पे, फर्स्ट फाइव ईयर जो प्लान बनाता है हर कंट्री बनाती है, मतलब मैक्सिमम कंट्री बनाती है फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, पहले रशिया से स्टार्ट हुआ था ये, रशिया में फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बनाना का सिस्टम शुरू हुआ था, उसके बाद हमने भी अडॉप्ट किया, तो हमने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान पर लैंड रिफॉर्म पर काम किया है, एग्रीकल्चर आ सकता है ना इसकी जगह, अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म लिखा हो तो भी एग्रीकल्चर पर करना है, लैंड और एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान दिया था हमने, इंडस्ट्री पर नहीं, सॉफ्टवेयर तो थे ही नहीं उस टाइम, तो इसका आंसर है बी। व्हाइट रेवोल्यूशन जो है जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है, क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाइट रेवोल्यूशन जो है उसको किस नाम से बुलाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड पे हमने ये किससे रिलेटेड है, बेसिकली ये जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट है ना उससे रिलेटेड है, इसका आंसर है ए, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक टाइप की क्रॉप में क्या होता है कि एक सिंगल क्रॉप बहुत बड़े एरिया पे जब बोई जाती है तो उसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो इसका आंसर है जी बी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज दी राबी क्रॉप, इसमें से कौन सी राबी क्रॉप है, राइस, मिलेट, ग्राम, कॉटन, तो इसका आंसर है बी, ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भूदान ग्रामदान जो एक मूवमेंट था वो किसने इनिशिएट किया था, किसने स्टार्ट किया था, अलौरी सीताराम राजू, विनोबा भावे, जे एल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, या गांधी जी, तो इसका आंसर अपने को पता है, इसका आंसर है विनोबा भावे, गांधी जी करके मत आना, विनोबा भावे है इसका आंसर, ठीक है, ये गलती मत करना। और भूदान ग्रामदान को ना और किसी नाम से भी जाना जाता है, इस मूवमेंट को और किसी नाम से भी जाना जाता है, वो जाना जाता है जी ब्लडलेस वॉर, खून खराबा नहीं हुआ था, शांति से हुआ था जो भी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अजर्शन और रीजन, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे अपन। अजर्शन लिखा हुआ है कि टी कल्टीवेशन इज द एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, सही बात है, टी कल्टीवेशन जो है एक तरह की प्लांटेशन क्रॉप है, असम में होती है, बहुत बढ़िया। और याद रखना आपको है ना, मैप अगर अच्छे से करना है तो मैं आपको बता दूं, आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी स्टेट, कौन सी क्रॉप जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किस किस स्टेट, मतलब किस उसकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है। जैसे टी जो है सबसे ज़्यादा असम में उगाया जाता है, गन्ना जो है यानी शुगर केन वो सबसे ज़्यादा यूपी में उगाया जाता है, रबर जो है वो केरला में उगाया जाता है। आएंगे नीचे क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी, बट आई होप आपको पता चल गया हो कि टी जो है वो एक कल्टी मतलब एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्रॉप है।
नेक्स्ट लिखा हुआ है कि टी क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। सही बात है, टी क्रॉप जो है बहुत बड़े एरिया पे उगाई जाती है। एक्चुअल में इसका आंसर क्या है कि बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या, डी, बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। नेक्स्ट है कि जो राइस है वो एक स्टेपल क्रॉप है। स्टेपल क्रॉप है, बिल्कुल सही बात है, स्टेपल क्रॉप यानी इंपॉर्टेंट क्रॉप जो ज़्यादा खाई जाती है, इंडिया के अंदर खाई जाती है यार, बहुत ज़्यादा चावल खाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि अजर्शन ट्रू है। रीजन पढ़ते हैं, फॉर मेजोरिटी ऑफ द इंडियन राइस इज ईटन रूटीनली इन सच द क्वांटिटी दैट इट कॉन्स्टिट्यूट अ डोमिनेंट पोर्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड डाइट। मतलब इंडिया में जो है चावल जो है बहुत रूटीन में खाया जाता है, एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डाइट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात सही है? ये बात भी सही है, तो दोनों सही भी है और दोनों का आपस में लेना देना भी है। अगर आपको नहीं समझ आया लेना देना क्यों है तो MCQ की वीडियो देख लेना, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बायोकेमिकल जो होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। बायो जो होते हैं ना बायोकेमिकल, वो एक्चुअली में क्रॉप को ग्रो करने के लिए उगाए जाते हैं, ज़्यादा जल्दी ग्रो करने के लोग आ जाते हैं। क्या बात सही है? ये बात भी सही है, तो यानी अजर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है और दोनों का आपस में लेना देना भी है। चलो एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको कभी चेक करना हो ना कि दोनों का आपस में लेना देना है या नहीं है, अगर दोनों का आपस में लेना देना होता है ना तो डी होता है इसका आंसर, और अगर नहीं लेना देना हुआ तो इसका आंसर ई होगा। अब कैसे चेक करना है, एक लाइन में पढ़ दो, बायोकेमिकल का यूज़ होता है क्रॉप प्रोडक्शन में क्योंकि बायोकेमिकल के यूज़ करने से क्रॉप प्रोडक्शन जल्दी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही लाइन बन रही है ये, और अगर सही लाइन बन रही है तो इसका मतलब दोनों का आपस में लेना देना है, इसलिए इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी, अजर्शन लिखा हुआ है कि टी प्लांटेशन इज़ अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप, यानी टी प्लांटेशन में ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, वीट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सीरियल क्रॉप इन इंडिया। ये बात भी सही लिखी हुई है, बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ऊपर टी की बात है नीचे वीट की बात है तो क्या लेना देना। तो इसका आंसर क्या होगा, ई होगा, कि बोथ आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अजर्शन लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। सही बात है, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। रीजन लिखा हुआ है कि इंडियाज 2/3 पॉपुलेशन जो है वो इंगेज है एग्रीकल्चर में। चलो ध्यान से सुनो, बेसिकली है ना इसमें क्या है कि बोथ आर ट्रू, सही तो दोनों लिखा हुआ है पर दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसका आंसर है डी। ठीक है, सॉरी ई, दोनों सही है पर दोनों का आपस में लेना देना नहीं है। अब मैं इसको समझा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है आपके लिए, बट एक बार समझ जाओगे ना बहुत इजी है। क्या एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है? बिल्कुल है, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि एग्रीकल्चर में हम नेचर से कोई चीज़ लेके प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, खेती वगैरह करते हैं ना, तो ये होनी चाहिए थी। क्या लाइन यही लिखी है रीज़न में? नहीं, ये लाइन लिखी वही नहीं है, जो भी लाइन लिखी हुई सही है बट ऊपर वाली लाइन से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर है ई। ठीक है, अब पढ़ो, अब ये 75 वाला पढ़ो। आप बोलोगे सर सेम ही तो क्वेश्चन है, अरे बहुत अलग है। देखो, इंडियाज प्राइमरी एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर, इंडिया की प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ये बात अलग लिखी हुई है, ये अलग लाइन है, और इंडिया की प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर है, ये बात अलग है। ठीक है, तो इंडिया की प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो एग्रीकल्चर है, इंडिया में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते हैं। ओके, और यही लाइन नीचे लिखी हुई भी है, तो दोनों का आपस में लेना देना है, तो इसलिए इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि प्लांटेशन जो है कमर्शियल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, या एक टाइप की कमर्शियल क्रॉप है। सही बात है, खरीफ क्रॉप जो है वो विंटर सीजन में उगाई जाती है दिसंबर में। ये गलत लिखी हुई है लाइन, तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि सर्दियों में तो रबी क्रॉप उगाई जाती है, तो इसका आंसर है जी अजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। इसका आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अजर्शन लिखा हुआ है कि राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। सही बात है, राजस्थान में ज़्यादातर बाजरा उगाया जाता है, मेज क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज द फूड एंड फॉडर। ठीक है, यानी जो मेज क्रॉप है वो यूज्ड होती है फूड में भी और फॉडर में भी। सही लिखा हुआ है, ठीक है, पर दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ई, बोथ आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बेल्जियम जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया, रशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है, ब्रुसेल्स। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है जी अपने ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के अंदर। बहुत शांति है, इसीलिए लगाया गया है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर पार्लियामेंट अपने ब्रुसेल्स में, यानी बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी अजर्शन और रीजन है। इट इज सिंपल टू मेक चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ये बात सही है? ये गलत लाइन लिखी हुई है, इतना ईजी नहीं है। रीजन लिखा हुआ है कि इंडिया इज स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या है, ये बात सही है।
ठीक है। तो बेसिकली अजर्शन जो है गलत है, रीजन करेक्ट है, तो अजर्शन इज रॉन्ग बट द रीजन इज करेक्ट, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा हुआ है कि इंडिया की जो टोटल शेड्यूल लैंग्वेज है वो 22 है, ये बात एकदम सही है, और 22 इसलिए रखी हुई है ताकि सारी की सारी लोग में डाइवर्सिटी बनी रहे, और ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि रिस्पेक्ट हो डाइवर्सिटी की, नहीं तो पाकिस्तान में एक ही लैंग्वेज है और नेशनल लैंग्वेज उनकी उर्दू, ठीक है, तो बाकी लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पर, बट आप खुद सोचो ना, जब एक लैंग्वेज को आप बढ़ावा दे दो तो मतलब नेशनल लैंग्वेज बना देते हो तो फिर बुरा लगता है ना बाकी लोगों को। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, इंडिया में 22 शेड्यूल लैंग्वेज है जो कि हमारे शेड्यूल 8 में लिखी गई है, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है अपने बोथ आर ट्रू एंड द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, ठीक है, डी है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये बताओ कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं जिससे मतलब ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें जिससे नेचर को कोई हार्म ना हो और साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डैश हेल्प इन मेंटेनिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द पुअर पीपल बाय प्रोवाइडिंग, या प्रोवाइडिंग आएगा यहाँ, ठीक है, प्रूविंग लिखा है, प्रोवाइडिंग आएगा या प्रोवाइडिंग फूड एट लोअर कॉस्ट, जब हम गरीब लोगों को खाना थोड़े कम प्राइसेस पे देते हैं ताकि उनका न्यूट्रिशन लेवल बना रहे, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, सिस्टम को क्या कहते हैं, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चैप्टर नंबर 4 में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटल इनकम, ये बात आपको पता ही है, PDS लिखा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये नहीं है, पर कैपिटा इनकम आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी BMI की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स, पता ही है आपको, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी यानी गवर्नमेंट की फैसिलिटी कौन सी नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, रोड ब्रिजेस गवर्नमेंट का काम है, प्राइवेट स्कूल प्राइवेट है, ठीक है, पब्लिक नहीं है, तो इसका आंसर है सी, प्राइवेट हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट के होते हैं, सॉरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट के होते हैं, बट प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो गवर्नमेंट के नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ गुड वे टू मेजर द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड बाय कंपेयरिंग देयर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका आंसर है बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, SED की फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ए इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो UNDP ने पब्लिश करी थी, जिसमें हम लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस और क्या चीज़ को कंपेयर करते हैं, पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करते हैं, ठीक है जी, तो इसका आंसर है बी, ठीक है, सी नहीं हो सकता क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल की कितनी संख्या है कितनी नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए इसका आंसर है क्या, बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डेवलपमेंट क्राइटेरिया जो है उसमें जनरली क्या इंक्लूड होता है, जनरली लिखा है, अगर जनरली ना लिखा होता तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव होता, बट जनरली लिखा हुआ है तो इसलिए इसका आंसर है इनकम, ठीक है, मतलब ज़्यादातर हम डेवलपमेंट नापने के लिए इनकम ही देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे अपने इसका नॉर्मल एग्जांपल ही देता हूँ, अगर कभी आपको किसी भैया वगैरह के बारे में जानना होता तो क्या कहते हैं, इन भैया की इनकम इतनी है, मैक्सिमम बात यही करते हैं जब भी हम भैया के यहाँ किसी उसके बारे में बात करते हैं, तो मतलब कंट्री के मामले में भी ऐसा होता है, रिच कंट्री पुअर कंट्री ऐसे डिफाइन करते हैं। IMR की फुल फॉर्म क्या है जी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ए है जी इसका आंसर। फुल फॉर्म ऑफ NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ लिखा है ये लिखा सी पे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया के अंदर कौन सा है, सबसे ज़्यादा रबर जो है वो इंडिया में कौन से स्टेट में उगाई जाती है, पता ही है आपको रबर जो है एक इक्वेटोरियल क्रॉप है और वो इक्वेटर के पास यानी अपने केरला में उगाई जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है, इसका आंसर है बी, और केरला के बाद त्रिपुरा में। अब आ जाते हैं मैप क्वेश्चन पे, ठीक है, उसके बाद करते हैं छुट्टी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और डालूंगा MCQ के उसकी, ठीक है। और आप मेरे को बताना, मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा हूँ, आपको टाइम तो दे रहा हूँ ना मैं MCQ के आंसर करने का नहीं करने का, ये बात आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा ना तो उसमें अच्छे से कर पाएंगे हम, है ना। तो चलो जी, तो ये आपसे पूछा गया है कि ये जो एरिया है ये कौन सी सॉइल हो सकती है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल या लेटराइट सॉइल। अरे बड़ा इजी है यार, देखो अगर आपको ये आंसर ना भी आता हो ना तब भी आप तुक्का भिड़ सकते हो। ये कौन सा स्टेट है, अपने को इतना तो पता है जी, ये जो है अपना जम्मू कश्मीर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या है, पहाड़ है, पहाड़ यानी माउंटेन, तो सीधा फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, सिंपल, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें भी सॉइल बतानी है, इसमें ये वाली सॉइल बतानी है कि यहाँ पर जो है अपने को इतना पता है यहाँ पर राजस्थान है, ठीक है। देखो हर मैप का हर एक स्टेट आपको याद होना चाहिए इंडिया का, तो इस तरफ राजस्थान है, तो राजस्थान में कौन सी सॉइल पाई जाती है, एरिड सॉइल, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाली जो कौन सी सॉइल है,
ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, ये वाली जो सॉइल है अपनी रेड एंड येलो सॉइल है, और ये जो छोटे छोटे एरिया है ना, ये वाला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। तो ये जो बहुत कम एरिया में फैली हुई है ना, ये है अपनी लैटराइट सॉइल। ठीक है, लैटराइट सॉइल और हमारा जो रेड एंड येलो सॉइल है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, रेड एंड येलो सॉइल थोड़ी ज़्यादा एरिया पर फैली हुई है, बट लैटराइट सॉइल थोड़े कम एरिया पर है। ठीक है, ये है जी इंडिया की मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फैली हुई है, वो कौन सी सॉइल है? वो है जी अपनी एलुवियल सॉइल, सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी होती है, याद रखना। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है अपना, ठीक है, वो ये है कि जी ये बताओ कि ये वाली कौन सी सॉइल है। ये जो है वो अपनी ब्लैक सॉइल है, पता ही आपको, डेक्कन ट्रैप का महाराष्ट्र और गुजरात का जो एरिया कवर करके रखती है। और इससे आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है कि जो हमारा ब्लैक सॉइल है उस पर सबसे अच्छा क्या होता है? कॉटन। और कॉटन जो है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है, मैं आपको बता दूँ, वो है गुजरात। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ, तो मेन पॉइंट स्टडी लाइव वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर होते ही, वैसे तो उस पर 100 रह गए होंगे सब्सक्राइबर, पता नहीं 100-150 रह गए होंगे, तो उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो अपन लाइव आएंगे और लाइव ये सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से आए। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन। बाकी हमारे अलग अलग चैनल है, उन सबको सब्सक्राइब कर देना, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी पढ़ो, ऑल द बेस्ट है जी आप सबको एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा, ठीक है, ताकि हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं क्वेश्चन वगैरह अपलोड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।